सरोकार मंच टोंक का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आज मेरे नए कविता संग्रह आदिम आवाजें और सात सुरों की बारिश पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। और मैं जन सरोकार मंच टोंक के साथी देवेंद्र जोशी का हृदय से आभारी हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आकर के अपनी बात रख सकूं। मेरा साथियों, अभी हाल ही में ये संग्रह आया है, आदिम आवाजें और सात सुरों की बारिश, और मुझसे कहा गया कि इन्हीं चीजों को लेकर के आप अपनी बात रख सकते हैं, तो आज मैं आपके सामने हूं। आपको मैं बताऊं कि जब ये संग्रह आया तो उसके आने के पहले पहले ही इस बात की बड़ी जद्दोजहद और बड़ी कश्मकश थी कि संग्रह का नाम वास्तव में क्या रखा जाए और क्यों रखा जाए, आदिम आवाजें और सात सुरों की बारिश। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे दिमागों में कई कई तरह के तहखाने हैं, आवाजों के तहखाने, वो क्यों आए, कैसे आए, इतिहास से आए, दर्शन से आए, जीवन से आए, या जो कुछ देखा सुना पढ़ा उससे आए, मगर आए। आवाजें हमेशा मुझे खींचती हैं अपनी तरफ और मैं आवाजों की तरफ दौड़ता चला जाता हूं। आवाजों से मुझे बहुत प्यार है। कुदरत की न जाने करोड़ों आवाजें युगों युगों से चली आ रही हैं, जिन्हें न मैंने सुना ना आपने सुना, मगर वो आवाजें हमारे आपके भीतर लगातार गूंजती रहती हैं। हम आप उन्हें सुनते रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उन आवाजों को पहचाना जाना चाहिए। जितनी आवाजें पहचान पाता है एक युग, उतनी आवाजों को हर युग का कोई ना कोई रचयिता किसी ना किसी संदर्भ में दर्ज जरूर करता है। भूगोल को जानने वाला भूगोल में दर्ज कर देता है वो आवाजें, इतिहास को जानने वाला इतिहास में दर्ज कर देता है वो आवाजें, साहित्य को पढ़ने वाला साहित्य में दर्ज कर देता है वो आवाजें। मगर अगर जीवन है तो आवाजें हैं, और आवाजें हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बोल जरूर रहा है। हमारा समय जैसा कि लगातार दिखाई दे रहा है, एक बहुत संकटपूर्ण दिशा की तरफ बढ़ चला है, और आवाजों पर लगातार पाबंदी लगाई जा रही है। ये संग्रह साथियों यूं ही नहीं आया, ये संग्रह के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। मेरी इस एक आदमी की आवाज को दबाने के लिए लगातार कोशिशें होती रही हैं। मेरी जुबान काट ली गई, फिर भी मैं जिंदा बना रहा। मेरी रीढ़ तोड़ दी गई, फिर भी मैं जिंदा बना रहा। मैं बहुत जिद्दी था, और ये जो आदमी आपके सामने आज दिखाई दे रहा है, इसको बहुत पहले मार दिया गया। आप कहेंगे आप तो सच में सामने खड़े हैं मेरे, आपको मार कौन सकता है, मगर मैं साथियों बता दूं कि जो ये कविताएं हैं इसके भीतर की, उन्होंने मुझे जिंदा रखा, और इसलिए जिंदा रखा कि मैं इन कविताओं को लेकर आपके सामने आ सकूं। एक कवि है जो आदमी को जिंदा बचाए रखता है, और कविताएं इसीलिए बहुत जरूरी हो जाती हैं कि वो केवल आदमी को बचाए ही नहीं रखती,
वो यह बता देती हैं कि जो क्रूर ताकतें हैं उनके सामने कविता न झुकती है, न डरती है, और न ही मरती है, और न आदमी को मरने देती है। इतिहास इस बात का गवाह है, संस्कृतियां इस बात की गवाह हैं, और हमारे भूगोल का जो नक्शा है वो कविताओं से पटा पड़ा है। मैं संस्थानों के नाम नहीं लेता, जिन संस्थानों ने मेरी जबानें काट दी और सोचा अब ये आदमी कभी बोलेगा नहीं, उन संस्थानों ने मेरी रीढ़ पर हमला किया। आप पूछ सकते हैं मुझसे क्यों किया, तो मैं आपको कह दूं कि मैं आउटसाइडर हूं, ये मैं मानता हूं, लेकिन संस्थानों ने माना मैं आउटकास्ट हूं, और मेरे आउटकास्ट होने को लेकर के संस्थानों ने मुझे बाहर का दरवाजा दिखा दिया। और जानते हैं साथियों, उस वक्त बड़ी चोट पहुंचती है एक आदमी को जब युवा होते होते वो इस सपने को जीता हो कि वह जीते जीते इस दुनिया में कुछ देकर जाएगा और नई संस्कृति अपने तरह की एक पैदा कर जाएगा और उसे मार दिया जाए। संस्थान ने सोचा इसको मारने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी जबान काट ली जाए, इसकी रीढ़ तोड़ दी जाए। ऐसा हुआ। तब मेरे भीतर के कवि ने पूछा, कहो क्या चाहते हो? मैं क्या कह सकता था? कवि ने फिर कहा, जिंदा रहना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। तो उसने फिर कहा, क्या मेरा साथ चाहते हो? मैंने कहा हाँ। कहा क्यों चाहते हो? मैंने कहा कविता मेरा प्राण है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं। तुम्हारे बगैर मैं कहीं नहीं, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। और यही वजह थी कवि हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहा, और उसने कहा कि उन आवाजों को सुनो, गौर से सुनो, और उन्हें दर्ज करो, और दुनिया को दे करके यह बता दो कि तुम्हारी जबान काट लेने के बाद भी तुम्हें बोलने से रोका नहीं जा सकता, और तुम्हारी रीढ़ तोड़ देने के बाद भी तुम्हें झुकाया नहीं जा सकता। तो साथियों, आज इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ मैं आपको उस एक कविता से परिचित कराना चाहता हूं जो सबसे पहले मेरे भीतर के कवि ने मुझे जिंदा रखने के लिए सौंपी थी। मैं चाहता हूं आप सबसे वो कविता शेयर की जाए। उस कविता का शीर्षक है, प्रार्थना एक सार्वकालिक उद्घोषणा। आपको याद दिला दूं कि जब तुलसीदास को इस दुनिया से बाहर का रास्ता दिखाया गया, जब कबीर को उसकी अपनी दुनिया से बाहर ढकेल कर ले जाया गया, और जब कालिदास को धिक्कार दिया गया, तब तीनों कवियों के पास या तीन साहसी आदमियों के पास सिर्फ एक ही चीज बची थी, कविता, जिसने उनको जिंदा रखा, जिसने उनको बनाए रखा, और उन्होंने उन कविताओं में अपने भीतर के उस डर को खत्म कर दिया और खुद को जिंदा रखते हुए यह बता दिया कि कविता आदमी का प्राण है, और कविता युग का प्राण है, और कविता इतिहास का सबसे प्रमुख अंग है, और कविता के बगैर न ये दुनिया जिंदा बची रह सकती है, और ना दुनिया के प्राणों को बचाए रखा जा सकता है। तो मैं आपको वो कविता सुनाता हूं, प्रार्थना एक सार्वकालिक उद्घोषणा। अहम् ब्रह्मास्मि त्रिलोकगामी, प्रार्थना में लीन हूँ, रसछंद मंगल मंगल पल प्रार्थना में लीन हूँ, श्रद्धा विश्वास संदेह विदेह प्रार्थना में लीन हूँ, ज्ञान गुरु चरण मन संपूर्ण अर्पण प्रार्थना में लीन हूँ, विज्ञान वत नित धर्म कर्म सृजन प्रार्थना में लीन हूँ, वानर नर धाम निष्काम यात्रा प्रार्थना में लीन हूँ, अहम् ब्रह्मास्मि सार्वकालिक प्रार्थना में लीन हूँ, सृष्टि पालक क्लेश संहारक विनाशहारी प्रार्थना में लीन हूँ,
माया वशी भूत देव असुर सृष्टि सत्ता सोम सुधा रसा कसी भ्रमति जग विस्मय सत्य संघर्ष वर निज धर्म प्रार्थना में लीन हूँ। भव सागर क्षीर सागर ध्वनि गर्भ टंकार ग्रह प्रार्थना में लीन हूँ। अहम ब्रह्मास्मि सार्वकालिक प्रार्थना में लीन हूँ। तंत्र के षड्यंत्र और षड्यंत्र न्याय शास्त्र कुंज प्रार्थना में लीन हूँ। स्मरण सिद्धि गुण सौंदर्य बुद्धि शुभ चरण प्रार्थना में लीन हूँ। कृपाहारी पापनाशी दयाशील चारुत समन्वय प्रार्थना में लीन हूँ। चंदन देहे और चंद्रमा की शीतल छवि गल्भ प्रार्थना में लीन हूँ। अहम ब्रह्मास्मि त्रिलोकगामी प्रार्थना में लीन हूँ। अहम ब्रह्मास्मि त्रिलोकगामी सार्वकालिक प्रार्थना में लीन हूँ। जगत अनुसंगिनी करुणा नंदिनी मन वचन कर्म प्रार्थना में लीन हूँ। विपद नाशिनी आनंद दायिनी सर्व समर्थ प्रणयिनी प्रार्थना में लीन हूँ। वाणी वागीश्वरी निर्हिंडोलिनी मतांता अस्ति नास्ति प्रार्थना में लीन हूँ। अहम ब्रह्मास्मि त्रिलोकगामी सार्वकालिक प्रार्थना में लीन हूँ। अहम ब्रह्मास्मि त्रिलोकगामी सार्वकालिक प्रार्थना में लीन हूँ। तो साथियों, ये वो कविता थी जिसने मेरे भीतर के डर को खत्म कर दिया और ऐसे क्रूर साजिशकर्ताओं के खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया कि जहां मेरे भीतर के कवि ने कहा कि तुम बोलोगे और सच सच बोलोगे और दुनिया तक अपनी बात लेकर के जाओगे। यहीं पर मैं आपको कहता हूं कि कवि ने एक और कविता मुझे सौंपी और मुझे जब बोलने से रोका गया तो कवि ने कहा, बोलने पर तत्काल आपातकाल, मैं कुछ ना बोलूं, पिता की किसी बात के खिलाफ मां ने बार बार कहा, मैं कुछ ना बोलूं किसी अध्यापक के खिलाफ पिता ने बार बार कहा, मैं कुछ ना बोलूं आसपास छिड़ी लड़ाइयों के खिलाफ अध्यापकों ने बार बार कहा, मैं कुछ ना बोलूं दुनिया में चल रहे मुद्दों के खिलाफ बुजुर्गों ने बार बार कहा, मैं कुछ न बोलूं मुल्क के बदले हुए मौसम के खिलाफ साथियों ने बार बार कहा, मैं कुछ न बोलूं अन्याय के खिलाफ सहकर्मियों ने बार बार कहा, मैं कुछ न बोलूं सरकार के खिलाफ नुमाइंदों ने बार बार कहा। मैं सोचता हूं मेरे बोलने में ऐसा क्या है जिससे हर जगह खतरा पैदा हो रहा है। जब ये पूछा तो जवाब आया, कुछ न पूछो, सवाल करना ही केवल कसूर नहीं, तुम्हारे सोचने पर भी पाबंदी लग चुकी है। इंटेलिजेंस की खुफिया आंखें हर वक्त चौकस हैं, तुम्हारी एक जरा सी हरकत कहर बरपा सकती है, समूची व्यवस्था दहला सकती है। तो साथियों, मैं आपको कह रहा हूं कि जब इन आवाजों की बात आई तो मैंने सबसे पहले यह सोचा कि संग्रह की इन आवाजों को कौन सुन सकता है। जब मैंने यह संग्रह लिखा तो कवि से भी मैंने कहा कि इन आवाजों को तुम्हारी सुनेगा कौन, तो उसने कहा सात सुरों से जुड़े हुए किसी शख्स को खोज लाओ इन कविताओं के लिए। और तब मेरे जहन में आए हमारे एक बहुत प्रिय गीतकार डॉक्टर सागर, जिनका हाल ही में अभी अभी एक गीत पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुआ, बंबई में काबा। मैंने उनसे जब इस संग्रह की कविताओं का जिक्र किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि भेज दीजिए, मैं इन कविताओं पर लिखना चाहूंगा और जल्द ही आपको सूचित करूंगा। हालांकि बहुत कम वक्त मैंने उनसे कहा कि ज्यादा समय न लें सर, कम समय में बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। उनके पास बहुत ज्यादा काम थे, रात दिन वो व्यस्त थे, बावजूद इसके
उन्होंने एक दिन मुझे समय दिया और कहा कि तुम अपनी कविताएं क्या मुझे सुनाओगे? तो मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो बोले मुझे आवाजें सुनने की आदत है और आवाज सुन करके ही मैं उसकी मूल आत्मा तक पहुंच पाता हूं। तब मुझे फिर से याद आया आदिम आवाजें, वो आवाजें जो मेरे भीतर उतर आई हैं, मेरे भीतर से इस संग्रह तक चली गई और इस संग्रह से अब मेरी वाणी के जरिए वो उन तक पहुंचना चाहती हैं। और अगले ही दिन मैंने उनसे कहा कि मुझे समय दें आप, मैं आपको कविताएं। तकरीबन 1.5 या 2 घंटे तक वो लगातार मुझसे कविताएं सुनते रहे और तब मुझे ये कहा कि बहुत अच्छी कविताएं हैं और अब तुम मेरे अंदर लिखने की जो वो चस्क है वो बढ़ गई है और मैं इन कविताओं पर जरूर लिखूंगा और कल ही आपको यह भेज देता हूं लिख करके। तो मैंने उनसे फिर अंत में पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप सुनना चाहते थे? तो बोले मेरी आदत सी बन गई है कि धुने बिना सुने मैं शब्दों को आकार नहीं देता हूं। तो मेरे कान जब तक उन आवाजों को नहीं सुनते मैं कुछ कह नहीं पाता उन आवाजों के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये कविताएं सिर्फ इसलिए नहीं हैं कि आप तक पहुंचे, आप पढ़ें, चाहें, बल्कि ये कविताएं इसलिए लगातार रची गई, आज नहीं, युगों युगों से, कि एक युग को उसका असली चेहरा केवल और केवल कविताएं ही दिखा सकती हैं। यहां तक कि दर्शन भी युग का असली चेहरा नहीं दिखा सका, यहां तक कि इतिहास भी युग का सही चेहरा नहीं बता सका, यहां तक कि साहित्य की और तमाम विधाएं भी सच सच ठीक ठीक और असली चेहरा अपने अपने युग का नहीं दिखा सका। केवल और केवल करोड़ों अरबों आवाजें जिन्हें मैं नहीं सुन सकता, मेरे आगे आने वाली पीढ़ियां वो आवाजें भी शायद नहीं सुन पाएंगी जिन्हें हम सुन चुके, और हमसे पीछे की वो पीढ़ियां जिन आवाजों को सुनकर हमारे सामने की आंखों से गुजर गईं, हम उन आवाजों को नहीं सुन सके, मगर हमारे दिमाग के तहखानों में, हमारे ब्रह्मांड में और इस जगत में उन आवाजों के तहखाने हैं जहां वो आवाजें आज भी बस रही हैं। वो तकलीफें हैं जिन पर गुनाह किए गए, जिन पर अत्याचार किए गए। मैं ऐसा नहीं कहता कि कविताएं केवल तकलीफ, अत्याचार, गुनाह और पीड़ा को ही दिखाने के लिए पैदा हुई थी। मैं कहता हूं कि अगर प्यार है और जब तक इस दुनिया में है तब तक कविताएं बची हैं, और कविताएं ही एकमात्र ऐसा रास्ता देती हैं कि आप प्यार भी करते हैं तो कविताओं के जरिए ही करते हैं, और आप नाराज भी होते हैं तो कविताओं के जरिए ही होते हैं। मैं आपको अपने बारे में एक छोटी सी सूचना दे दूं। एक बात है जो मुझे याद आ गई अचानक, कि जब मैं पहली बार अपने परिवार में गुस्सा हुआ था तब मेरी उम्र तकरीबन 6 या 7 बरस रही होगी, जहां तक मुझे याद है। और मैंने अपनी पहली बार जो तकलीफ, पीड़ा या गुस्सा गलत बात के खिलाफ दर्ज किया था तो टूटे फूटे अक्षरों में किया था, और मेरे पिता ने ये बात चुपचाप रख ली थी अपने पास क्योंकि वो उस स्कूल के प्रिंसिपल तक जा रही थी। उन्होंने यूं ही मेरा चेहरा देखकर पूछ लिया था कि तुम कर क्या रहे हो इस कागज पर? तो मैंने कहा मैं कुछ लिख रहा हूं। उन्होंने पूछा लिखा क्या है, मुझे दिखाओ। तो मैंने कहा मैं अपनी टीचर को दूंगा जाकर। तो उन्होंने पूछा कि क्यों दोगे, लेकिन लिखकर क्या चाहते हो?
तो मैंने कहा कि मैं जो गलत हो रहा है उसे लिख रहा हूं। उन्होंने कहा मैं पढ़ लेता हूं, मैं तुम्हारी टीचर तक पहुंचा दूंगा। और वह पहले टूटे फूटे अक्षर ही, मेरे पिता आज भी कहते हैं वो टूटे फूटे अक्षर नहीं थे, वो तुम्हारी पहली कविता थी। उन्होंने वो शिकायत तो अध्यापकों को नहीं सौंपी, क्योंकि मेरा वो स्कूल बहुत अनुशासन में कड़ा था और शायद इसी वजह से उन्होंने खुद को भी बचा लिया था, ऐसा उनका कहना है। मैं नहीं जानता, वो बचपन की बात है, लेकिन तब से और आज तक इस पूरी दुनिया में, अभी हाल ही की आपको एक घटना याद होगी जिस पर लगातार पूरे भारतवर्ष में चर्चा हो रही है, कि एक आउटकास्ट बच्ची की हत्या कर दी गई, बर्बर हत्या कर दी गई, उसे जलाकर राख कर दिया गया और उस पर पूरे हिंदुस्तान से आवाजें उठ रही हैं। मैं ऐसी ही आवाजों से एक आवाज आपको चाहता हूं कि आप सुने। कविता का शीर्षक है घोषणा पत्रों का बारूद भरे इस सवाल के आते ही। हमने नाजियों से कहा, हमने नाजियों को कहा साम्यवादी बनो, हमने नाजियों को कहा साम्यवादी बनो, वो नाजियों का साम्यवाद ले आए। हमने कट्टरपंथियों से कहा उदार बनो, वो कट्टरपंथी उदारवाद ले आए। हमने साम्राज्यवादियों से कहा लोकतांत्रिक बनो, वे साम्राज्यवादी लोकतंत्र ले आए। हमने असहिष्णु से कहा सहिष्णु बनो, वे धर्मनिरपेक्ष असहिष्णुता ले आए। हमने जब लोक परंपरावादियों से कहा जनतांत्रिक बनो, ये सवाल आते ही वे उपर्युक्त सभी के साथ अलग अलग दल की सेनाओं में घुसे, कोई उम्मीद जागे उससे पहले ही एक दूजे पर तान दी, तर्क वितर्क कुतर्क और राष्ट्र धर्म की सनातनी बंदूकें इल्जाम के बंकरों में घुसे, घोषणा पत्रों का बारूद भरे, मौके बेमौके मार गिराने लगे लोकतंत्र के सभी जिंदा दस्तूर। मौके बेमौके मार गिराने लगे लोकतंत्र के सभी जिंदा दस्तूर। साथियों, आप कैसे देखेंगे इन कविताओं को? दूसरी तरफ ये जो आपके सामने आज एक युवक बैठा हुआ है, ये युवा जिस संस्थान में गया उस संस्थान के लिए खतरा पैदा हो गया। खतरा किस बात का? कि वह कवि है और झूठ नहीं बोल सकता, और वह कवि है तो कलम चलाएगा जरूर, और वह कवि है तो उसकी जबान सच कहने से डरेगी नहीं। कविताओं को पढ़ाने के लिए जब मैं रखा गया किसी संस्थान में यहां, तो मेरे तमाम बच्चे उन कविताओं के मुरीद हो गए जिन कविताओं को मुझे पढ़ाने का मौका मिला। और उसके बाद वो बच्चे मुझसे और मेरी कविताओं से, और वो कविता मैंने सबसे पहले उनसे यही पूछा था, और मैं आज सबसे ये लगातार पूछता हूं कि कविताएं क्यों पढ़ी जानी चाहिए, कविताओं को पढ़ने की जरूरत क्यों है भाई? अगर आपको लगता है कि जिंदा बचे रहना है तो कविताओं के भीतर और बाहर असलियत को देखना होगा। और उन बच्चों ने भीतर के संस्थान के भीतर के सच को भी देखा था, विभाग के सच को भी देखा, और यही वजह थी कि सच
बहुत कड़वा होता है और सच झूठों को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार होता है। एक कवि को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं सिर्फ आज जिंदा हूं तो इसी वजह से जिंदा हूं कि मेरे भीतर का कवि मुझे जिंदा बचाए हुए है। आउटकास्ट कवि हो गया, आउटकास्ट यह शख्स हो गया, सिर्फ एक वजह थी कि मैं कविताएं लिखता हूं, कविताएं कहता हूं और कविताएं ही मेरा प्राण है। यह लगातार बच्चों के सीने में, बच्चों के दिमागों में और बच्चों के दिलों में भर रहा हूं। इस आग से दुनिया डरती है और यह आग मेरे भीतर की आग नहीं है, यह आग दुनिया को बचाए रखने की आग है। अकादमिक हत्यारे चाहते थे मैं मार दिया जाऊं। उन्होंने पूरी कोशिश की कि मेरी हत्या, सामाजिक हत्या, अकादमिक हत्या कर दी जाए। वह चाहते थे मैं बोलना छोड़ दूं, वो चाहते थे मैं उनके आगे घुटने टेक दूं। मैंने नहीं टेके। मैं एक कवि हूं और मैं यह शान से कहता हूं। यह मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है और कवि होना उनके लिए बड़ी क्षुद्र सी बात थी। मैं इन्हीं कुछ चीजों को आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जो कविताएं हैं वो मेरे कहीं कहीं उस सच को सामने लाने में शायद सफल हुई हैं जो मेरे भीतर इतिहास और मेरे भूगोल से भी जुड़ी हुई हैं। एक कविता है, खुफिया मंत्री के गुप्तचर, मासूम सैनिकों की फौज। सुनो बच्चों, एक बार फिर चक्रव्यूह रचा जा रहा है। तुम केवल एक अभिमन्यु नहीं हो, इस बार हर एक अभिमन्यु आजमाया जाएगा। तुम्हारी ताकत यही है, लड़ो एक होकर और तोड़ दो चक्रव्यूह, षड्यंत्र का नकाब उतार दो। जालिम सामने खड़ा है, पहचानो उन शक्लों को जो तुम्हें नरक की आग में झोंकना चाहते हैं। समझदारी चुप्पी नहीं कमजोरी है। जिस वक्त अन्याय हो रहा हो, चुप्पी तोड़ना सबसे ताकतवर हथियार होता है, वरना वो फूलों की महक वाली जबान से तुम्हें अपना गुलाम बनाने, जुर्म के साझा होने को आमंत्रित कर रहे हैं। तुम्हारी एक बुलंद आवाज जलजला ला सकती है, हर चक्रव्यूह ढहा सकती है। तुम्हारी एक बुलंद आवाज जलजला ला सकती है, हर चक्रव्यूह ढहा सकती है। और ऐसी ही कविताओं का नतीजा था कि जब मेरे ऊपर एक बड़ा हमला हुआ, एक कवि के ऊपर, तब बच्चों ने घेराबंदी करके एक बड़ा आंदोलन किया, सिग्नेचर कैंपेन किया और एक कवि को बचाने के लिए जान प्राण एक कर दिए। और तब मुझे बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन करना पड़ा था कि कवि को जिंदा रहना होगा हर हाल में, मगर कवि ये चाहता है कि मेरे प्यारे बच्चे हमेशा हमेशा के लिए बचे रहें, जिंदा बने रहें, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। और इसी वजह से हाथ जोड़कर उस कवि ने उन बच्चों को तमाम तरह के विद्रोह आंदोलन से वापस करवाया और कहा, अपना गौरव, अपना सम्मान अपने सच के साथ पाना और जीवन अगर जब तक है तब तक कविताओं से प्यार करना, कविताएं लिखते रहना और कविताएं पढ़ते रहना, ताकि तुम्हारे भीतर भी एक सच्चा इंसान हमेशा हमेशा के लिए जिंदा बचा रह सके। मैं आज के दिन शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, पास, पाब्लो किसी की बात नहीं करूंगा। मैं स्वयंभू से लेकर के कालिदास और कालिदास से लेकर के केदारनाथ तक किसी की बात नहीं करूंगा। मैं बल्कि अपने भीतर के उस कवि का कभी कभी थोड़ा बहुत जो मजाक उड़ा लेता था और कह देता था कि तुम कैसे कवि हो और तुम करने क्या वाले हो और करते क्या हो, मैंने उसको कुछ चीजें कही जो इन कविताओं में हैं, मैं आपको सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है, एक पागल के हलफनामे का शगल। सुनो कवि,
मुझे याद है उस रात सभी गहरे सोए थे, तुम्हारे बगल के मकान में चोरी हो रही थी और तुम जागते हुए कविता के लिए सामान जुटा रहे थे। मैंने कवि के ऊपर भी कई तरह के सवाल उठाए कि जिस वक्त आदमी को कविता लिखने की बजाय कई जागते हुए इंसानों की तकलीफों के, उस वक्त कवि कर क्या रहा है। और दुनिया के तमाम ऐसे कवि जिन्हें दुनिया की तमाम बड़ी तकलीफों के साथ खड़े होना था, वो उस वक्त कविता के लिए सामान जुटा रहे थे। मैंने कवि से फिर कहा, एक निठल्ले का बयान कवि के बहाने, ये एक दूसरी कविता है छोटी सी, मुझे मालूम है तुम अभी नहीं लौटोगे, मुझे मालूम है तुम अभी नहीं लौटोगे, झमझमाती बारिश की बौछारों में खिली धूप देख कर कहोगे देखो कितना सुहाना मौसम है। झमझमाती बारिश की बौछारों में खिली धूप देख कर कहोगे देखो कितना सुहाना मौसम है, उस वक्त तुम्हारी नई नवेली नौकरानी टपकती छत के नीचे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मन महसूसती रही और तुम्हें गरम चाय पकौड़े परोसती रही। तुम कैसे भूल सकते हो कभी, तुम कैसे भूल सकते हो कभी। ये दुनिया के उन तमाम कवियों के ऊपर एक कटाक्ष भी आप मान सकते हैं जो कविताएं तो लिख रहे हैं, अपने भीतर के तमाम आकर्षण, मनोरंजन, लबोलुआब, प्यार, शब्दों का अंबार सब कुछ रख रहे हैं। वो आग को आग और पानी को पानी लिख रहे हैं, वो बारूद को बारूद और आसमान को आसमान लिख रहे हैं, बावजूद इसके वो तकलीफों के साथ खड़े होने से डर रहे हैं। मैंने उसी कवि को पुनः कहा, कवि की याद में, इसका शीर्षक है कवि की याद में एक झूठे की नींद। मैं अपने भीतर के कवि को बहुत झिंझोड़ता हूं और कई कई बार मरोड़ता हूं। मैं रात भर नहीं सोता, न सोने देता हूं। मैं फिर वो कविता आपको सुनाता हूं, कवि की याद में एक झूठे की नींद। तुम्हें याद होगा वो भूखा लड़का रोज नींद में मीठे लड्डू बनाता और जागता तो बंदूक चलाता, कोई परिंदा न मार सका। तुम्हें याद होगा वो भूखा लड़का रोज नींद में मीठे लड्डू बनाता और जागता तो बंदूक चलाता, कोई परिंदा न मार सका। उस वक्त तुम कविता की बन जलेबी पका रहे होते थे, उस वक्त तुम कविता की बन जलेबी पका रहे होते थे। मैं दुनिया के जो कवि इस तरह की चीजों में तल्लीन हैं कि कविता का शास्त्र क्या होगा, कविता का छंद क्या होगा, कविता का रस क्या होगा, कविता का अलंकरण कैसे होगा, कविता की, मैं इससे बाहर निकल करके सिर्फ एक बात कहता हूं कि दुनिया में जितने भी तरह के इंसान हैं और दुनिया में जितनी भी तरह की आपको कुदरतें दिख रही हैं, ब्रह्मांड दिख रहे हैं, और यह दुनिया जिस जिस रंग में दिख रही है, उस रंग में अगर आप उसे अपने सामने लाकर रख सकते हैं, जबान कोई हो, व्याकरण कोई हो, छंद हो कि ना हो, अलंकरण हो कि ना हो, मगर आदमी को बचाने के लिए अगर एक आदमी किसी भी जुबान में सामने आएगा तो वह कविता ही होगी। और कविता ही इस दुनिया और इस आदमी को, इस मनुष्यता को बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। और इसीलिए मैं सदी के उन सभी बड़े और महान कवियों के लिए कहता हूं, नतमस्तक होकर के
शीर्षक है सदी के प्रिय कवि का लौटना, अवसान से उदयान की गल्प। तुम्हारा चले जाना जैसे बसंत में फूल झर जाए, सावन में बरसात न हो, आषाढ़ में ओस न लौटे, अंधेरे से रोशनी की जिद कि अब न रहेगी साथ। मगर मैं जानता हूं वहां हो तुम तो फिर होगा समुद्र मंथन, नए महाकाव्य निकलेंगे, मुरझाई उम्मीदों पे फिर गुल खिल उठेंगे, जिसे हमारी संतानें नई दुनिया में नया अवतार कहेंगे, नया ईश्वर, नई आस्था, नया रहस्य संसार कहेंगे। अब आना तो ये महागाथा साथ लिए आना, तब तक के लिए अलविदा मेरे कवि। अब आना तो ये महागाथा साथ लिए आना, तब तक के लिए अलविदा मेरे कवि। तो वो कवि जो दुनिया को बचाए रखने की जिद पर अड़े हैं आज भी, और वो कवि जो दुनिया को बनाए और बचाए रहने की जिद में इस दुनिया में तब तक रहे जब तक उन्हें रहना था, और वो तब तक रहेंगे जब तक उनकी कविताएं इस दुनिया में जीवित बची रहेंगी। यह दुनिया यानी जब तक जीवित है तब तक उनकी कविताएं जीवित बची रहेंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो कवि जो केवल और केवल दुनिया के सानंद की तरफ और दुनिया से मनोरंजन की तरफ रवाना हो चुके हैं, और दुनिया के तमाम युद्धों में वो शामिल न हो करके उन युद्धों की जो तकलीफें हैं उन्हें रखने की बजाय वो आदमी से कहीं दूर चले गए हैं, उन पर भी एक छोटा सा हिस्सा मैंने कहा। ऐसे कई कवि हैं, हिंदी के तो हैं ही, अन्य भाषाओं में भी हैं। किसी दिन जब कभी मौका मिलेगा तो कुछ ऐसे कवियों पर भी बात होगी, बिना नाम लिए भी कवियों पर बात होनी चाहिए कि वो कविताएं दुनिया को बचा रही हैं या वो कविताएं दुनिया को भरमा रही हैं। प्यार भी तो कविताओं में ही होगा और जंग भी कविताओं में ही लड़ी जाएगी। आपको याद होगा कि अगर आज हमारे सामने रामायण है और आज हमारे सामने अगर महाभारत है और आज हमारे सामने अन्य अगर महाग्रंथ हैं, आप उसे कुछ भी कह लें, धर्म ग्रंथ कह लें, साहित्य ग्रंथ कह लें, इतिहास ग्रंथ कह लें, आप जो चाहें कह लें, वो सब सिर्फ इस वजह से आज तक जीवित बचे हुए हैं कि वह कविताएं हैं। अगर वह केवल दर्शन होते, वो इतिहास होते, वो भूगोल होते केवल, तो वो अब तक जीवित नहीं बचे होते। वो चूंकि कविताएं हैं और कविताओं में उस युग का सच साफ सुथरा ठीक ठाक सही सही, जहां जिस ठिकाने पर जो चीज होनी चाहिए थी वो रखी गई है। समझना हमको है, समझना आपको है कि उनके भीतर कहा क्या गया और क्यों गया और कैसे गया, ताकि अगला आने वाला युग अपने पीछे जाने वाले युग से सही सही सबक ले सके। मैंने ऐसे ही कवियों को जो युग को समझने में कहीं थोड़ा सा चूक गए, कभी कभी भ्रम में आए, उन पर एक कटाक्ष था कवि की कविताओं में। वो कवि चचा की बीड़ी के सामने सिगरेट के कस मजे से लेता रहा। वो कवि चचा की बीड़ी के सामने सिगरेट के कस मजे से लेता रहा और मुझे सिगरेट का धुआं खींचते देख सिगार की मीठी धुंध मेरे दिमाग में छोड़ गया। क्यूबा कुछ ऐसे जंग लड़ा उसकी कविताओं में, क्यूबा कुछ ऐसे जंग लड़ा उसकी कविताओं में। तो कई बार क्या होता है कि कविताओं में जंग केवल ऐसे ही लड़ी जाती है कि आप बीड़ी के सामने सिगरेट और सिगरेट के सामने सिगार, बस यहीं तक आ पाते हैं, लेकिन असली आदमी की पीड़ा तब सामने आती है
जब कविताएं हमारे भीतर के सोए हुए आदमी को, हमारे भीतर के मर रहे आदमी को और हमारे भीतर मर चुके आदमियों को झिंझोड़ कर जिंदा रखने का काम करती है, तब वो कविताएं और वो आदमी जाग जाता है। और जब वो जाग जाता है मैं आपको इस मामले में दो मुल्कों की बारीक व्यवस्था का सिंबॉलिक तरीके से एक चित्रण दिखाना चाहता हूं, एक दृश्य दिखाना चाहता हूं केवल। कविता का शीर्षक है अफगानिस्तान में चेरियां, बबूल और बेरियां। इस बहाने से आप समझ जाएंगे कि कविताओं के भीतर की जो जद्दोजहद है वो दो मुल्कों की भी जद्दोजहद है और दो मुल्कों के भीतर चल रही व्यवस्थाओं की भी जद्दोजहद है। कुछ बेरियां खट्टी मीठी चेरियों के नजदीक उगी थी, कुछ बेरियां खट्टी मीठी चेरियों के नजदीक उगी थी, चेरियों की मांग अधिक थी और कीमत ज्यादा। बेरियां अधिक उगती और बिना किसी सुविधा के, सो कीमत कम बबूल के आसपास उगती रहीं। बेरियां अक्सर चेरियों से रंग रोगन में दब के रहीं। बाजार की सत्ता में चेरियों का रुतबा और चमक का दबदबा बना रहा, जबकि चेरियां चाह के भी बेरियों का स्वाद और सुगंध न दे पाईं। सो वे आपस में मिलके बेरियों को बबूल के साथ होने का तंज कसती रहीं। बेरियों ने कभी इस गलत बयानी के विरुद्ध आवाज न उठाई, बेरियों ने कभी इस गलत बयानी के विरुद्ध आवाज न उठाई। नतीजा चेरियों ने मनचाही खुराक बेरियों की चुप्पी और भय से पाई। नतीजा चेरियों ने मनचाही खुराक बेरियों की चुप्पी और भय से पाई और बेरियों में हिम्मत न आई कि चेरियों की मुखालफत में एक साथ आवाज उठा सकें, और बेरियों में हिम्मत ना आई कि चेरियों की मुखालफत में एक साथ आवाज उठा सकें। आप जानते हैं आगे की कहानी क्या हुआ। फिलहाल तो अफगानिस्तान में चेरियां, बबूल और बेरियां जेरे बहस एक गल्प कथा जारी है। फिलहाल तो अफगानिस्तान में चेरियां, बबूल और बेरियां जेरे बहस एक गल्प कथा जारी है। तो हमारे पूरे संसार में जितने भी युद्ध चल रहे हैं और जो बहसें चल रही हैं और जो तर्क वितर्क कुतर्क समर्थ और असमर्थ के बीच लगातार चल रहा है, उसमें जितना समर्थ ताकतवर जो है वह अपनी बात कहकर निकल जाता है, वह अपना रंग देकर निकल जाता है और वह अपने हथियारों के दाग छोड़ जाता है, लेकिन जो असमर्थ हैं, जो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं और जो संगठित और समूह में नहीं बंध पा रहे हैं। एक लंबी कविता है इस इतिहास की आदिम आवाजों को लेकर के, कि आवाजें हमारे भीतर कौंधती क्यों हैं, आती क्यों हैं और जाती क्यों हैं, इन आवाजों का हमारे जीवन से रिश्ता क्या है और ये आवाजें अगर एक साथ गूंजने लगें तो धरती पर क्या हो जाएगा। इन आवाजों को लेकर के उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो हमारे समय के आज के राजा हैं, जिन्हें आप तानाशाह कह लें, जिन्हें आप हुक्मरान कह लें, जिन्हें आप राजगद्दी पर बैठा हुआ वो शख्स कह लें जिसके पास एक मुल्क की सारी शक्तियां हैं, कुछ भी कह लें, मैं उन्हीं मुल्कों के उन शहजादों से, मैं उनके मुल्कों के उन तानाशाहों से और मुल्कों के उन सभी ताकतवर सियासतदारों से, उनके चेहरे किस किस तरह के हैं और वो कैसे नजर आते हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं।
कविता है, इतिहास में राजाओं ने खाई चेरियां। इतिहास में कुछ राजाओं ने खाई चेरियां और खूब खूब उल्टियां की। इतिहास में कुछ राजाओं ने खाई चेरियां और खूब खूब उल्टियां की। इतिहास की कक्षा में कुछ राजा क्लासरूम में कहानी की तरह आते जाते रहे। कुछ राजा इतिहास से शैतान की तरह बाहर निकाले गए और दिन के उजालों में खून की बारिश की। कुछ राजा शताब्दियों की स्वप्न गाथाओं में आए और वर्तमान को फरमान की आग बरसाकर चले गए। कुछ राजा इबादत गाहों में प्रार्थनाओं की शान रहे। कुछ राजा भविष्य के जबड़ों में दुर्गंध दबाए यहां वहां थूके जाते रहे। कुछ राजा उर्वरक रहे, असंख्य जिंदगियों में भरते रहे प्राण। कुछ राजा तमाशबीनों के मजमे किसान बने रहे। ये जो राजा इस सदी की गद्दी पर बैठे हैं इतिहास साजिशें किस्सा गोई को घृणा की सलाखों में कैद किए। मुसलसल ये शहंशाहों के सेवक थे। शाही इबादत गाहों के पुजारी कुछ तो राजसेना में घोड़ों की लीद उठाते पाए गए थे। आज राजगद्दी पे जा बैठे हैं। इतिहास और राजशाही को दंगे फसाद में घसीटे लिए जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि किस रात इतिहास की सलाखों से बाहर आए और केसरिया पोशाकों के संग हमले में शामिल हुए। मुझे नहीं मालूम पवित्र धामों में बसने वाले राम कब हिंसा हत्या बलात् आगजनी और मजहबी खून खराबे में शामिल हुए। मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। इधर राम कई दिनों से मेरी नजरेशानी के बागमा में नहीं आए। कहीं हत्यारों ने उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। सीता भी लापता हैं और अपने प्रभु के लापता होने की दरियाफ्त करवा कर अब तक लौटी नहीं है। मैंने सदियों से बंद पड़ा इतिहास का सिला द्वार खोला, सभी प्रभु सत्ताओं के पास गया। सजदे की हर इमारत प्रभुओं से खाली मिली। नहीं मिला ऐसा कोई शिलाखंड जिसकी इबारतें इतिहास के बाहर भविष्य के रक्षा मसौदे तैयार करें। भूगोल के नक्शे में खिंची लकीरें मिसाइलों से लैस मिली। और इस तरह ये कविता मैं आपके सामने अधूरी रख रहा हूं इसलिए कि यह एक लंबी कविता है, लेकिन इसका एक हिस्सा जो सबसे सबल पक्ष है वो मैं कह सुनाना चाहता हूं कि इतिहास में हुई देवबानियों की बारिश में वाणी की पुरा लिपियां प्राच्य जबाने कब कैसे नजीर बनी। ऐसी इंसाफ गाहें इमारतें कभी नहीं मिली। एक राम स्वाधीन सदी के कारावास में कैद, एक राम दंगाइयों की भीड़ में हत्यारों का खंजर, एक राम प्रार्थना घरों की प्राचीरें फांदता हुआ इधर कविता में घुसकर तफसील से अपनी तकलीफ की तहरीर सुना रहा है। जान का खतरा बताते हुए गुहार लगा रहा है, रिहाई की खातिर हिरासत के खिलाफ दे रहा है बयान, इबादत गाहों के संरक्षकों के खिलाफ बगावत पर उतर आया है और जांच एजेंसियों से नजर बचा के कविता के कारखाने में हर्फ हर्फ इंसानी सांचों में ढालने की मंजूरी चाहता है। उसे सख्त ऐतराज है ईश्वर होने की पैमाइश से, कैद खाने कतई मंजूर नहीं। वो जान बचाकर भागता हुआ एक कैदी है। हत्यारे बेहद चालाक हैं, हकीकत जानकर भी इबादत गाहों में राम की मूर्तियां लगवा रहे हैं। कलाकार आराध्य देह कामनाओं को मुक्त आत्मसमर्पण के राग रंग रस में डुबोए, हक हकूक के वसीयत नामे से बेदखल किए, खाली ताबूतों में मूर्तवत राम के शिलाखंड स्थापित करवा रहे हैं। प्रार्थना के गुंबदों में आशरीरी आसनाई जोगी का भभूत लेप लगाए, बुत खानों में राम के जीवित होने के दस्तावेज रखवाते, शिलालेख खुदवाते, राम के होने का सातिराना भ्रम फैला रहे हैं। और देखिए कि इतिहास में कुछ राजाओं ने खाई चेरियां और खूब खूब उल्टियां की। तो आप देखिए कि हमारे पास हमारे कबीर का राम भी है, हमारे पास हमारे निराला का राम भी है, हमारे पास हमारे तुलसी का राम भी है, और हमारे पास सदियों से हमारी आस्थाओं का राम भी है। हमारे पास राम का एक बना बनाया साम्राज्य है। वह राम जो हमारे दिलों में बसता है,
वह राम जो हमारे प्राणों में बसता है और वह राम जो हमारे मन मस्तिष्क हमारी सिराओं में बहता है, उस राम का ना आकार है ना प्रकार। वह राम सिर्फ प्यार करने के लिए है, वह राम केवल मूर्ति रखने के लिए नहीं है, वह राम केवल मंदिर के लिए नहीं है, वह राम हमारे प्यार का, हमारे आराध्य का और हमारे अपने होने का जिंदा सबूत है। ऐसी व्यवस्था मैं आज आप एक कविता है अपहरण, जैसे जब जिस संस्थान की मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे जब वहां से बाहर किया गया तो इस बात का पक्का सबूत दिया गया होना चाहिए था कि यह कवि कितना नाकारा है, खुदगर्ज है और कितना कमजर्फ है, मगर इस बात का कोई सबूत उनके पास नहीं था और कवि को इस आदमी को बचाने के लिए अदालत जाना पड़ा। कवि अदालत में मौजूद है, वो शख्स जो आउटकास्ट होने की वजह से, अनटचबिलिटी की वजह से धिक्कार कर निकाल दिया गया, उसे एक तंत्र ने अनसेटिस्फैक्टरी का टैग दे डाला सिर्फ इसलिए कि वह कवि है। और मैं आपको बता दूं कि कवि को जिंदा देखना कोई नहीं चाहता पूरी दुनिया में, क्योंकि कवि पूरी दुनिया के ऊपर चढ़ करके सत्य की नींव रखना, सत्य की बुनियाद रखना जानता है और कवि मरना नहीं जानता। कवि झूठे मक्कार और जो यह दरिंदगी और सांप्रदायिकता से भरे हुए चेहरे हैं, इनको उघाड़ना जानता है, इसलिए कवि को बाहर का रास्ता दिखाया जाना एक बड़े तंत्र के लिए बड़ा सहज हो जाता है। और वह तब सहज और हो जाता है जब कवि उन सांप्रदायिक ताकतों के सामने, उन अराजक ताकतों के सामने, उन एकेडमिक क्रिमिनल्स के सामने स्वयं को सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में पाता हो, तब वह डर के मारे एकजुट हो जाते हैं और कवि को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। मगर मार कर भी वह सोचते हैं कवि मर चुका है, कवि आपके सामने आज जिंदा मौजूद है। एक अंतिम कविता के साथ आप सभी साथियों से मैं विदा चाहूंगा। कवि कविता का शीर्षक है अपहरण किस सत्ता का मकड़ जाल है। कभी हम होते हैं अपहरण अपनी ही इच्छाओं में, कभी हम इच्छाओं की खातिर करते हैं किसी और की इच्छाओं का अपहरण। कभी हम होते हैं अपहरण अपनी ही इच्छाओं में, कभी हम इच्छाओं की खातिर करते हैं किसी और की इच्छाओं का अपहरण। इच्छाएं जो सतत चलती आई हैं इन अपहरणों के बीच, होती हैं न जाने कितनों की इच्छाएं अपहरण। इस तरह हम हर बार एक दुनिया बनाते हैं जिसमें अपहरण होना या करना गुनाह के दायरे से बाहर कर दिया गया, और यह अब हमारे संस्कारों का हिस्सा बन चुका है अपहरण के इस इच्छा बाजार में सभ्यताएं हर बार नई नई कवायदों से भरी होती हैं, फिर उन्हीं में से कई इच्छाएं होती हैं अपहरण। होता रहता है हमेशा अपहरण के खिलाफ इकट्ठा जन आक्रोश, आक्रोश ऐसा खुद अपहरणकर्ताओं का बुना जाल घोषित हुआ, और इस तरह कभी हम जान ही नहीं पाए यह अपहरण किस सत्ता का मकड़ जाल है, और इस तरह हम कभी जान ही नहीं पाए कि यह अपहरण किस सत्ता का मकड़ जाल है। यहां हर इच्छा किसी न किसी अपहरण के इंतजार में बैठी है, यहां हर इच्छा किसी न किसी अपहरण के इंतजार में बैठी है, यहां तमाम इच्छाएं अपहरण से छुटकारा पाने को मकड़ जाल से हर वक्त लड़ रही हैं, यहां तमाम इच्छाएं अपहरण से छुटकारा पाने को मकड़ जाल से लड़ रही हैं। तो साथियों, इन्हीं चंद कविताओं के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप सभी इस कवि को जिंदा बनाए रखें, इस कवि से प्यार करते रहें ताकि ये कवि
अपनी बातों को आप सभी से दोबारा जब फिर मिलेगा तब फिर कह सकेगा कि कवि कभी भी आउटकास्ट नहीं किया जा सकता और कवि को कभी मारा नहीं जा सकता। शुक्रिया, धन्यवाद। जन सरोकार मंच टोंक का मैं आभार व्यक्त करता हूं पुनः, और आप सभी साथियों ने जो मुझे यहां पर इतनी देर तक सुना, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और नमस्कार धन्यवाद करता हूं आप सभी साथियों का। शुक्रिया।